है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, गेम का मैनुअल फ्रैंक जेसन को जान से मारने की धमकी देके बोलता है कि उसे बॉक्सिंग रिंग में कैसे भी करके हारना होगा, और जेसन मान भी जाता है। लेकिन जब वो बॉक्सिंग रिंग में जाता है तो गलती से उसका अपोनेंट टोनी गलती से गिर जाता है और जेसन जीत जाता है। जेसन के जीतने से फ्रैंक का $10 मिलियन का नुकसान हो जाता है। तो वो जेसन को जान से मारने के लिए गाड़ी से उसका पीछा करता है, लेकिन आधे रास्ते में जाने के बाद जेसन कई टकरा जाती है और पलट जाती है। लेकिन जैसे ही फ्रैंक आदमी जेसन को मारने के लिए होता है, वही एंट्री होती है हीरोइन की और वो जेसन को बचा लेती है और सीधा गेम के सेकंड विलन वीरा के पास जेसन को लेके जाती है। और अब आगे खुल जा फालतू दरवाजा। अब तो वीरा मेंटेलो है ना, जोनी मेंटेलो की वाइफ, मोस्ट वांटेड। हाय ऑफिसर, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो। कहाँ जा रही है बुढ़िया? तू तो हमारे प्रमोशन की चाबी है। बुढ़िया 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 बोलेगा, कराऊं प्रमोशन? बुढ़िया बोलते हैं। अगर आज के बाद तुम में से किसी ने मुझे वापस बुढ़िया कहा तो तुम्हारी जुबान काट के हाथ में दे दूंगी। पुलिस ऑफिसर वीरा, वीरा, मैं जेसन को फ्रैंक बुलाने तो बचा के ले आई हूँ। उसके गुंडे उसके चारों तरफ से ढूंढ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? बताओ, अब आप ही हैं जो जेसन को फ्रैंक विलियानो से बचा सकती हैं। ठीक है, तो जेसन चलाओ। हाँ, क्या चलाऊं? ट्रक चलाओ बेवकूफ। कैरन गन कैच। वीरा आंटी, सामने देखो, पुलिस वाले ने पूरा रास्ता घेर रखा है। वीरा आंटी, अब क्या करें? उड़ा दो सालों को। गेट अवे। वीरा आंटी, लगता है कि पुलिस वाले भी फ्रैंक विलियानो के साथ मिल चुके हैं। वीरा आंटी, हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए मुझे अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। जेसन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। वीरा आंटी, क्या आपने फ्रैंक विलियानो से बात कर लिया? नहीं, इस सिचुएशन से तुम्हें मेरा एक ही आदमी बाहर निकाल सकता है जिसका नाम है ईमेन, और तुम्हें उसी के पास जाना होगा। आ गया, मेरा बादाम का दाना कहाँ गया? मिल जा, मिल गया। क्या तुम ही हो ईमेन? हाँ, मैं ही हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, पर हाँ, मैं ही हूँ ईमेन। वीरा मेंटेलो, एक नंबर, समय में आए हो। तो मुझ पर ड्रैगन गैंग ने अटैक कर दिया है। क्या? हाँ, ड्रैगन गैंग जो लकड़ी पर घूमते हैं, नीचे पहिए लगाकर इधर से उधर घूमते रहते हैं, मतलब मैं कैसे बताऊँ? तो तुम पे कोई स्केटबोर्ड गैंग वालों ने हमला किया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही, मुझ पे हमला किया है उन्होंने, और वो मेरा सीक्रेट फॉर्मूला चुरा कर ले गए जो मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। वो रुको, शायद तुम लोगों ने कोई फॉर्मूला बनाया था जिसको उन्होंने चुरा के ले गए। एक काम करो, तुम मुझे उनके पास ले चलो। अबे, क्या यही है तुम्हारा ड्रैगन? हेलो ड्रैगन्स, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ, था बॉक्सिंग चैंपियन। कहाँ चल दिया भाई ड्रैगन गैंग? ओ हेलो हेलो। अबे बच्चे, तूने इसका फॉर्मूला ड्रग्स जो भी चुराया है उसको वापस कर दे, वरना तेरा शकल बिगाड़ दूंगा। अबे पहले मुझे पकड़ के तो दिखा। अरे वो बच्चा बहुत तेज भागता है, वो उसे तुम पकड़ नहीं पाओगे, शायद पकड़ लोगे, पता नहीं, जल्दी जाओ। अरे तो भागने के साथ बिल्डिंग में भी चढ़ जाता है। साला मेरे को दौड़ा रहा था, दौड़ाएगा कब से? उसे ऐसा हमारे खाते में देख के बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम वीरा को कैसे जानते हो? वो मुझे फ्रैंक विलियानो से बचा रही है। क्या 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 तुमने? फ्रैंक विलियानो? हाँ, वो उसका तो नाम लेना ही खतरनाक है। अब तो तुम्हें सिर्फ वीरा, हाँ तुम्हें बस वीरा ही ऐसी है जो अब उससे बचा सकती है। वैसे पहले वो लोग एक दूसरे के दोस्त थे, पर अब वो लोग दुश्मन हो चुके हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वीरा तुम्हें क्यों बचा रही है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? क्या वीरा मुझे नहीं बचाएगी?
फ्रैंक विलियानो से। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं पता, खतरनाक आदमी। वैसे मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, हमारा काम हो गया, मैं यहाँ से चलता हूँ। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके ये जरूर बताना कि ये सीरीज आपको कैसे लग रही है और इसमें हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए।